भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो पवन सिंह की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। साथ ही वो उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, यानी दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक में तो वो खेसारी लाल यादव पर बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की वजह से ही एक समय ऐसा आया था जब उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कैरियर शुरू होना ही था कि उस पर बर्बादी की मोहर लग गई थी, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने तब रितेश पांडे का गाना चुरा कर गा दिया था और वो गाना जो कि रितेश पांडे गाने वाले थे वो खेसारी ने गा दिया था। और इस पर उन्होंने ये तक कह दिया है कि वृंदवासिनी माँ की कृपा थी जो आज वो फिर से उठ खड़े हुए हैं। खेसारी ने ऐसा एक बार नहीं कई बार रितेश पांडे के साथ किया है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने पवन सिंह की तारीफ भी की है। रितेश पांडे भोजपुरी के उन कलाकारों में से हैं, उन सिंगरों में से हैं जिनके गाने बेधड़क कई मिलियन व्यूज़ क्रॉस करते हैं। अगर आप हेलो कौन की बात करें तो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का भी गाना 850 मिलियन अकेले सिंगल नहीं पहुंचा है, या फिर वो बहुत सारे चैनलों पर रिलीज़ किया गया होगा, उनके व्यूज़ को जोड़ा गया होगा, लेकिन हेलो कौन भोजपुरी कलाकार द्वारा गाया हुआ एक ऐसा गाना है जिसने 850 मिलियन व्यूज़ महज 2 सालों में क्रॉस किया है। खैर, रितेश पांडे की कामयाबी के लिए फिर चाहे लवंडिया लंदन से लाएंगे की बात करेंगे, या फिर पिवा से पहले हमार रह लूँ, या जाए चंदा, इन सारे गानों ने रितेश को भोजपुरी इंडस्ट्री के उन कलाकारों के बीच शामिल कर दिया है जो सुर के बहुत पक्के हैं। पवन सिंह के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे को की आवाज़ को बहुत बेहतरीन माना जाता है और रितेश पांडे के फॉलोवर्स भी उनकी आवाज़ को बहुत अप्रिसिएट करते हैं। आपको बता दें कि कैरियर की शुरुआत में जब रितेश और पवन की मुलाकात हुई थी तो रितेश पांडे ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है पवन सिंह से। जब पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई तब पवन सिंह ने उन्होंने रितेश पांडे को एक सलाह दी कि तुम थोड़ा अलग गाओ क्योंकि तुम्हारी गायकी और मेरी गायकी में अंतर है और इसी से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इस मूल मंत्र को रितेश पांडे ने अपनाया और आज वो भोजपुरी के सफल गायकों में से एक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड हैं, यानी कि जो सफलता के वो असली हकदार हैं वो कुछ भोजपुरी विवादों के चलते उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब रितेश को वो मिलेगा जिसके वो हकदार है। डाउन टू अर्थ है रितेश और यहाँ तक पहुँचने के लिए भाई बंदे ने बहुत पापड़ बेले हैं, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रितेश पांडे कभी डीजे का फ्लोर भी लगाते थे। ये सब कुछ उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में किया है। अगर आपको उनके संघर्ष के दिनों के इंटरव्यूज़ देखने हैं तो देखिए कि इस बंदे ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। साथ ही भोजपुरी के इस वक्त के सबसे पढ़े लिखे एक्टरों में से हैं रितेश पांडे, इसीलिए सहज हैं, सरल हैं। और अगर आप उनके इंटरव्यूज़ को कभी भी देखेंगे तो आपको कोई बिगड़ैल लैंग्वेज आपको उनके में नहीं दिखाई देगी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है रितेश पांडे। और तो और विवादों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर वो चाहे छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो विवादों से दूर नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप रितेश पांडे के अच्छे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।